हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरे पीछे है कॉन्टिनेंटल जीटी। आज काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आज का दिन, क्योंकि अभी हम लोग मोटो ब्लॉग शूट करेंगे और साथ ही साथ कुछ फोटोग्राफी भी करने वाले हैं और टाइम पास के लिए कुछ मस्ती भी करेंगे। जैसा कि देख सकते हो, 220 पीछे रेडी हो चुका है और कॉन्टिनेंटल जीटी, तो वीडियो पर बने रहिएगा। अभी हम लोग कुछ रील्स भी शूट करने वाले हैं अपने चैनल के लिए और हम लोग काफ़ी रेडी भी हुए हैं इसी कारण से। हम लोग लगभग रेडी हो चुके हैं। टोटल तीन जन जा रहे हैं, दो बाइक में, एक कॉन्टिनेंटल जीटी और दूसरा पल्सर 220। सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि इंस्टाग्राम का रील्स और यूट्यूब का शॉर्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम लोग निकले थे सेकेंड हाफ में और सेकेंड हाफ में जल्दी सूरज ढल जाता है, जिसके वजह से फिर हम लोग को शॉट नहीं मिल पाता प्रॉपर सनलाइट वाला। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि नेचुरल लाइट में ही हम लोग इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स शूट करें। तो हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि हम लोग पहले नदी की ओर जाएंगे, तो फिर हम लोग गाड़ी अपना मोड़ते हैं और फिर नदी की ओर बढ़ते हैं। रास्ता क्रॉस करते वक्त सावधानी से क्रॉस किया हमने, क्योंकि अपोजिट लेन में थे हम लोग को और हम लोग को अपोजिट लेन ही जाना था। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू आवर डेस्टिनेशन। आप लोग देख सकते हो कि जीटी कितना शानदार दिख रहा है, फुल साइन कर रहा है। ऊपर से कलर ही इसका वैसे ही क्रोम, इसके वजह से ये और भी ज़्यादा साइन करता है। और मैं था पल्सर 220 में और मेरे पीछे एक और भाई बैठा हुआ था जो वीडियो शूट कर रहा था हम लोगों का। ये रास्ता नदी की ओर ले जाता है, मेरे पुराने वीडियो में आप लोग देखे होंगे, छठ वाला वीडियो में, ये वही रास्ता ले जाता है नदी किनारे जहाँ पे छठ होता है और बहुत कोई नहाने भी जाते हैं। हम लोग भी बचपन में यहाँ पर नहाने के लिए जाया करते थे। अभी ये हम लोग ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है। यहीं पर हम लोग गाड़ी रोक के खूब सारा फोटोशूट करवाते हैं और रील्स बनाते हैं। इसके बाद हम लोग एक न्यू टर्न लेके न्यू डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग का प्लान रहता है कि हम लोग डैम की ओर जाएं और खदान की ओर जाएं। खदान क्या है, तो कोल माइंस, जहाँ से कोयला निकलता है, और पूरा झारखंड में और अदर स्टेट्स में सप्लाई होता है यहाँ से कोल माइंस। वो हम लोग उस कोल माइंस पे जा रहे हैं जहाँ पे वो कोल माइंस बंद हो चुका है। बंद इसलिए हो चुका है क्योंकि कोयला एक्सट्रैक्ट करते करते काफ़ी गंदा हो जाता है, गंदा होते होते धीरे धीरे वहाँ पे पानी भर जाता है, वो बहुत बड़ा पॉन्ड बन जाता है या आप झील कह सकते हैं, जिसके वजह से वो खदान बंद हो जाता है और न्यू खदान न्यू एरिया पर खुलता है। इसलिए हम लोग पुराना खदान की ओर जा रहे हैं। उस रास्ता जाने के लिए भी हम लोग को थोड़ा सा ऑफ रोड ही लेना पड़ेगा, अच्छा रास्ता है वही पकड़ के जाना होगा और जंगल क्रॉस करना होगा। आपको उस जंगल की ओर मोर भी आता है, सियार आता है, ना जाने कौन कौन से जानवर आते हैं, तो दिन के वक्त उतना डर नहीं लगता है क्योंकि एक दो लोग आते जाते रहते हैं ड्यूटी वाले। तो ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को मज़ा आएगा और हम लोग भी उस दिन खूब मज़ा किए हैं। ये वही कच्चा रास्ता है जो कि हम लोग को अपनी मंजिल की ओर ले जाएगा। कच्चा रास्ता होने की वजह से हम लोग को धीरे धीरे बारीकी से चलना पड़ रहा था, लेकिन राइडिंग में बहुत ही मज़ा आया भाई लोग। आप लोगों भी अगर ऑफ रोडिंग करते होगे तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मुझे। अगर फॉरेस्ट वाले एरिया में भी अगर आप लोग कभी बाइक राइड किए होंगे तो वो भी बताना मुझे। हम लोग को तो फॉरेस्ट वाला रास्ता में आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है, हम लोग क्रॉस करते रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, हम लोग को ज़्यादा डर नहीं लगता है। तो ये रही कॉन्टिनेंटल जीटी जो कि काफ़ी शानदार लगती है। सबसे पहला बाइक हम लोग का पल्सर 220 था, उसके बाद ये आया। हाँ, जिस दिन छठ था उस दिन आपको आगे दिखाता हूँ कि एक डंप एरिया उसे कहते हैं जहाँ पे खदान डी
डिगिंग जब होता है, खुदाई होता है, तो उसका जितना भी मलबा होता है, पत्थर होता है, चट्टान होता है, वो एक जगह पे रखा जाता है। ये जो पहाड़ देख रहे हैं वो वही है, डंप एरिया है, जो एक बहुत विशाल पहाड़ बन चुका है। पहाड़ के साथ साथ पेड़ पौधे भी उसमें उग गए हैं, जानवर भी रहते हैं। हम लोग छोटे थे जब, तो हम लोग उस पहाड़ पे जाया करते थे और बहुत सारा पेड़ फल अमरूद का पेड़ हो जाता था, तो मतलब बढ़ जाता था, उसमें फल लगता था, तो हम लोग जाते थे उसे खाने के लिए। दिख भी नहीं और हम करते। लोग फाइनली पहुंच चुके हैं वो खदान, जो कि अभी रनिंग फेज में है। यहाँ पे अभी काम चलता है, यहाँ पे कोयला निकाला जाता है, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। इसको क्रॉस करने के बाद हम लोग वो स्थान पहुँचेंगे जो कि आप इंट्रो में देखे होंगे या वीडियो के शुरुआती क्षणों में देखे होंगे। इस जगह पे हम लोग थोड़ा सा रुक के फोटो शूट करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और नेचुरल ब्यूटी का नज़ारा लेते हैं। एस्थेटिक व्यू, सिनेमेटिक शॉट्स, सारे चीज लेते हैं यहीं पे। रोडवा कितना भयानक है इधर। ये सोनिक आप लोगों को मस्त चीज दिखाता हूँ। ये पूरे गोल गोल पत्थर हैं। ये पत्थर आप लोगों ने एक्वेरियम में देखा होगा या कहीं दुकानों में दिखा देखा होगा, जहाँ पे मिलता होगा भारी दाम में। यहाँ पे ये पत्थर फ्री में ऐसे ही फेंके हुए हैं। ये सब सारे नेचुरल स्टोन हैं, सारे सर्कल पूरा राउंड राउंड है, गोल गोल है। ये सजाने के काम में आते हैं ये सब पत्थर। और आप लोग देख सकते हो कि ये सब पत्थर को ही चुन के ले जाया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है भारी दाम में। देन हम लोग अगेन अपना बाइक स्टार्ट करके फिर लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। यस यस सब जाएगा। आप लोगों को देखने से लग ही रहा होगा कि ये रास्ता कितना कठिन है और काफ़ी रफ है, काफ़ी कच्चा है, बड़े बड़े पत्थर निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं माने और अपना लोकेशन की ओर बढ़ते चले गए, जो कि हम लोग बचपन में गए थे और बचपन के बाद इतने बड़े होने के बाद ही हम लोग उस लोकेशन पे जा रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन भी लग रहा था क्योंकि हमें याद कर करके जाना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग अपना डेस्टिनेशन पहुँच ही जाते हैं। अगर आप लोग भी ऑफ रोड करते हैं तो कृपया प्रॉपर गियर्स लेके ही जाए, गाड़ी को अच्छे से हवा भरवा ले, तेल डलवा ले, चेन टाइट करवा ले, तो ही ऑफ रोडिंग के लिए निकले, वरना ना निकले, क्योंकि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वही जगह है जो कि आप लोग इंट्रो में देखे थे। ये नज़ारा देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और प्लीज आप लोग भी बताइएगा कि ये सीन कैसा लगा आप लोगों को देखने के बाद। बचपन के बाद आज ये सीन देख रहा हूँ। जब बचपन में आया था उतरेगा तो मैं बंसी डांग लेके आया था, यहाँ से मछली मार के भी लेके गया था घर और खूब मछली खाया था। इस पर हम लोग केवल घूमने के लिए आए थे। हम लोग इस जगह पे शाम तक बैठे रहे, सनसेट तक, क्योंकि हम लोग प्रॉपर व्यू का लुत्फ ले पाए। गाइज आप लोग देख सकते हो कि ये जगह कितना खूबसूरत है। ये एक समय खुली खदान हुआ करता था, और आज ये बंद पड़ा हुआ है, इसमें पानी भर गया है। ये झारखंड में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में आता है। आप लोग को दिखाते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है सनसेट, इसमें और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। आप लोग को दिखाता हूँ कि उस पॉइंट पे अभी भी धुआं निकल रहा है, मतलब कि ज़मीन के अंदर अभी भी कोयला है और कोयला अंदर जल रहा है। इस एरिया में कोयला की मात्रा बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोयला इस एरिया से निकालती है। इस एरिया में एक और पत्थर, ऐसे पत्थर आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप लोग एक्वेरियम ये सब में देखे होंगे पूरे गोल पत्थर। तो इस वक्त काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें, काफ़ी दिनों के बाद इधर आए हैं हम लोग। और यहाँ पे अभी
वीडियो शूट्स हो रहे हैं, मैं तो साइड आके वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग। अभी समय हो रहा है 3 और 3 बजे, काफ़ी धूप है जिसके वजह से आप लोग को सनसेट नहीं दिखा पाऊँगा आज। तो आप लोग बताइएगा कि ये जगह कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग देख सकते हो इधर पूरा पहाड़ है, पहाड़ के साथ साथ ये एरिया पूरा डंपिन है, डंपिन बोला जाता है इसे। आप लोग को बता दें कि जब भी ऐसा कोयला निकालने के लिए इधर का जितना भी मटेरियल निकाल के इधर जाके डंप किया जाता है, इसलिए इस एरिया को डंपिन बोला जाता है कि जिस एरिया पे काफ़ी पत्थर हो गए हैं ये सब चीज़ को निकाल के रखा जाता है। और यहाँ पे भाई लोग कर रहे हैं वीडियो शूट, फोटोग्राफी, आप लोग को दिखाते हैं कितना डाउन है यहाँ से। अराउंड 10 से 20 मंजिला नीचे होगा ये। काफ़ी हवा भी चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। नदी कितना दूर पड़ेगा? आए यहीं पर था, यहीं पर पत्थरगढ़वा था, ये पिकनिक स्पॉट है। चल तो लेकिन भाई लोगों ने बताया कि यहाँ पास में ही नदी है, ये दामोदर नदी है और ये बहुत पुराना पुल इनकम्प्लीट बना, मतलब इनकम्प्लीट है, बन के पूरा नहीं हुआ है, पता नहीं कब पूरा होगा। नदी के उस पार बोकारो जिला आता है, नदी के इस पार रामगढ़ जिला आता है, तो हम लोग भी इनकम्प्लीट पुल को देखने के लिए चले गए सामने से। ये भी सीन खूबसूरत लग रहा था। मुझे तो ये सीन अच्छा लगता है, नेचर ब्यूटी, माउंटेन, रिवर्स, पेड़ पौधे। आप लोगों को कैसा लगता है? अगर आप लोग भी कभी झारखंड आए होंगे तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा मुझे। इस जगह पे थोड़ा सा रुक के हम लोगों ने मस्ती किया और कुछ खाने के लिए लाए थे वो खाया और पानी भी पिया इस जगह पे। हार्ट शेप, ये पत्थर हार्ट शेप में, किसी को चाहिए तो ले लीजिए, मेरे तरफ से एक ही है। एक और क्लिप दिखा, एक और पेड़ दिखाते आप लोगों को, देखिए ये दो पेड़, ये दो पेड़ है और दो पेड़ के नीचे में क्या बोल सकते हो सर, ढेर बोल सकते हो आप किसी चीज़ का, मलवा है। और उस पेड़ को हटाया नहीं गया है क्योंकि पेड़ को बचाना चाहिए, मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं हटाया गया, ऐसे ही बोल दिया आप लोग के लिए। और यहाँ पे इस रास्ता में दामोदर पुल है और इधर न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा था, आप लोगों को देखे होंगे वीडियो में, अभी दिखाया था आप लोगों को। और इधर कभी कभी पिकनिक के लिए लोग आते हैं, जैसे गाँव वाले लोग आते हैं अपने गायों को चराने के लिए। और ये है आज का कुछ खूबसूरत सा नज़ारा। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे बने रहिए और ढेर सारा प्यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगेन वी मूव टू अनदर लोकेशन फॉर फोटो शूट एंड फॉर ब्लॉगिंग। ये रास्ता घर की वापसी की ओर है, यहाँ पे शॉट को चेक किया जा रहा है कि प्रॉपर वीडियो आ रहा है या नहीं। गाइज, हम लोग का अभी तक से 3-4 लोकेशन चेंज हो चुका है फोटोग्राफी और वीडियो क्लिप लेने के लिए। तो अभी हम लोग घर के रास्ते पे हैं और अभी भी हम लोग का फ़ोटोशूट अभी तक से चल ही रहा है। अभी जो लोकेशन में हम लोग हैं, ये एक समय बहुत पुराना खदान हुआ करता था, इस जगह पे काली पूजा हुआ करता था बहुत पहले। और यहाँ पे अब भाई लोग फ़ोटोशूट कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये E&M ऑफिस एक समय हुआ करता होगा। और यहाँ पे कुछ कवर करके रखा हुआ है,
आयरन फेंसिंग है और प्लस लाइट भी लगा हुआ है। भाई लोग पूरा जीटी में फोटो शूट करवा रहे हैं और रील बना रहे हैं। आप लोगों को कोयला का अंश दिखाते हैं। जमीन काली पड़ी हुई है, पूरा जमीन काला है, जिससे कि आप लोग जान सकते हो कि यहाँ पे कोयला मिलता होगा एक समय। और ये रहा बहुत पुराना प्राचीन काली माँ का मंदिर। उसके बाद हम लोग अपना घर की ओर निकल पड़ते हैं, फिर से वही कच्चा रास्ता, फिर से ऑफ रोडिंग करते हुए, फिर से रोड का मज़ा लेते हुए, फिर से सफ़र का मज़ा लेते हुए, फिर से ना जाने लाखों मेमोरीज साथ लेके फिर हम लोग अपने घर की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं। लेकिन रुकिए, अभी भी मंजिल अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम लोग सुबह से शाम हो जाता है, उसके बाद हम लोग को काफ़ी भूख लगने लगता है। और मेरे बाइक में, पल्सर में, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हवा कम है या हवा लीक हो रहा है या पंचर हो गया है, जिसके वजह से मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था बाइक चलाने में। तो मैं पहले डिसाइड करता हूँ कि सबसे पहले जाके इसे मैकेनिक से दिखवाऊँगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद ही फिर हम लोग घर जाएंगे। तो इस रास्ते में हम लोग को बहुत बालू मिलता है, बालू की वजह से फिर दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में। और जैसे आगे मैं कॉन्टिनेंटल जीटी जा रहा हूँ, उसका डस्ट पूरा मेरा फेस में ही आ रहा था, पूरा मेरा शरीर में लग रहा था, वाइट ड्रेस भी मेरा ख़राब हो रहा था। इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा जीटी से, क्योंकि मैं, मेरे आँख भी बचे, मेरा कपड़ा भी बचे और डस्ट फेस में ना आए। मजा लेते लेते मुझे लगा कि अब सजा भुगतना होगा, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा गाड़ी पंचर है। लेकिन जब टायर वाले भैया ने मेरा गाड़ी चेक किया तो उन्होंने बताया कि आपका गाड़ी पंचर नहीं है, बस हवा कम है। तो फिर मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। और फिर मैं अपना बाइक में हवा डलवाने के बाद फिर हम लोग खाने के लिए चले जाते हैं। सब लोगों ने गर्मा गर्म समोसा ऑर्डर किया और साथ में मिठाई। उसके बाद फिर ब्लॉग आज का यही ख़त्म होता है। प्लीज कमेंट योर एक्सपीरियंस विथ मी। हैव अ नाइस डे। दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू।